हेलो, क्या हाल है? तो आज मैं बात करूंगा फिर से इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें एक्टिंग आती है नहीं, लेकिन तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है या नहीं, पर तुम स्टार बन सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कुछ रील्स वीडियो की तरफ। तो चलो फिर शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्या बाबा सीर है? ये भोसड़ी के रील्स बना रहे हैं चूतिया। मैंने तो सुना था कि दिल टूटा आशिक जख्मी शेर की तरह होता है, सबको चीर फाड़ देता है, लेकिन ये साला तो गीदड़ निकला, 2 सेकंड में घुटनों पे आ गया। और कोई जरा इसके बालों पे ध्यान दो, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी ने अभी अभी इसमें विमल खा के थूका हो। और ये पीछे खड़े भाई सब भी इन्हें देख के ये सोच रहे होंगे कि ना छेड़ो इन्हें, ये गांड मरवाए हुए हैं। अब ये कौन सा टैलेंट है यार, इन्हें देख के तो अच्छा खासा मेंढक भी शर्मा जाए। इतना ऊंचा तो बरसात में निकला मेंढक भी उछाल नहीं मारता जितना खतरनाक इस मैडम ने मारा है। और उछाल मारने से पहले इनका ऐसे गांड हिलाने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे ठंड में गाड़ी ठंडी पड़ जाती है तो उसको चलाने से पहले स्टार्ट करके गर्म किया जाता है, ठीक वैसे ही इन्हें भी उछाल मारने से पहले गांड हिला के गर्म करनी पड़ती है ताकि उछाल ज्यादा मार सके। होगी तू अपनी बाप की परी, हम भी अपने बाप के नवाब हैं। नवाब भोसड़ी के सूरत से चोल लग रहा है तू, और जिस तरह की ड्रेस पहनी है ना तूने, तो तुझे साले वन विभाग वाले पकड़ के ले जाएंगे। उनका पहले ही एक दरियाई गैंडा गायब है। इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टा रील्स ऐसी गधों की रेस है जहाँ सुअर भी दौड़ते हैं। जी चलो यार अब के समंदर भी पुल पे चले, तू चले उस पे या मैं चलूं, शहर हूं अपने पैरों तक। इस बंदे ने अपनी सेहत को छोड़कर सारा जोर अपने बालों पे लगा रखा है। इस छिपकली के मूत को देखकर ऐसा लगता है कि बालों के चक्कर में अपना शरीर घर ही भूला है। हेयर स्टाइल देख रहे हो लोंडे का, लड़कियां भी फेल है इसके आगे। भैंचू लेडी चिमटिया कौन लगाता है बे? जितना ध्यान बालों पे दिया है अगर उसका आधा बॉडी पे दिया होता तो 2 घंटे ज्यादा टिकता दुकान पे। नहीं यार, कोई जरा इसकी सेहत पे ध्यान दो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी खाली ना हड्डी चूस के फेंकी हो। इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ऐसे गांड हिला के खुद को स्टार समझते हैं। अब करने को तो इनके पास कुछ है नहीं, और अगर तुम रील्स में टैलेंट ढूंढते हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। व्यूज और ऑडियंस वही आती है जहाँ दूध दिखाए जाते हैं और गांड हिलाई जाती है। और टैलेंट टैलेंट को तो तुम छोड़ ही दो, यहाँ बहन चोद इतनी गांड घिस के वीडियो बनाते हैं और 100 व्यूज तक नहीं आते, और ये साले गांड हिला हिला के मिलियंस में लाइक ले जाते हैं। देखिए धर्राटे काट रही है ओम थो। ले भैया ओम थो। तो यार गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी की बकचोदी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में पेलेंगे। अब यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, और यार इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और ये जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन है इसको दबाओ, और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो यार सब्सक्राइब करो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.